देखो कितना भी अच्छा वीडियो बना लो, कितनी भी अच्छी रील्स बना लो, लेकिन अगर आपका टाइपोग्राफी अच्छा नहीं है, अगर आपके फॉन्ट अच्छे नहीं है, तो शायद आपकी वीडियो नहीं चलेगी। कुछ ही दिन पहले मैं गया था पटना, एंड पटना में हमारी मुलाकात होती है अनुराग से। अनुराग के दो मित्र, जो कि वो भी एक कंटेंट क्रिएटर है, अनुराग भी कंटेंट क्रिएटर है। भाई इन लोगों से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा मस्ती हुई, बहुत सारी बातें हुई, एंड बात करने से मुझे ये पता चला ना कि ये लोग पूछना चाहते थे कि भाई आप थंबनेल में, आप वीडियो में कौन सा फॉन्ट यूज़ करते हो यार, ये बताओ, हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए भी एक कॉन्टेंट बनाया जाए जिसमें आप लोगों को एक टाइपोग्राफी एंड फॉन्ट के बारे में बताया जाए। फिर मैं पटना से निकल गया घर के लिए, एंड जब मैं घर आया फिर मुझे याद आया ना मेरा रिंग लाइट है यहाँ पे, ना मेरा बैकड्रॉप है, तो फिर वीडियो मैं बनाऊँ कहाँ। फिर मैं निकल गया चाय पे चर्चा। हाँ, यहाँ पे ना भाई चाय बहुत तगड़ी मिलती है, अगर आप समस्तीपुर में हो ना तो एक बार ट्राई जरूर करना। फिर अंकल ने बोला क्यों ना यहीं वीडियो बना लो, यहीं पे बैठ के बना लो। फिर हम लोग को फ्रेम भी सही लगा। देखो बचपन में ना हमारी हैंडराइटिंग चेक करके टीचर ये गेस करते थे कि भाई पढ़ने में कैसा है, अब वीडियो में लोग टाइपोग्राफी देख के आपको जज करेंगे कि आप कैसा वीडियो क्रिएट करते हो। बेसिकली आज के जमाने में अगर आप अपने वीडियो में अच्छे टेक्स्ट, अच्छे फॉन्ट ऐड नहीं करते हो ना, तो भाई आप कितना भी अच्छा वीडियो बना लो, आपकी वीडियो उतनी अच्छी नहीं लगेगी लोगों को, एंड आपको उस चीज़ से लोग जज करेंगे। टाइपोग्राफी है क्या? टाइपोग्राफी से ना कोई भी वीडियो, पोस्टर, ग्राफिक डिजाइनर खासकर रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी वीडियो या पोस्टर का मूड क्रिएट होता है, एक स्टाइल बनता है, तो टाइपोग्राफी उसी को बोलते हैं। अब देखो मैं तो ग्राफिक डिजाइनर हूँ नहीं, मैं एक कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ, फिल्म मेकर हूँ, फोटोग्राफर हूँ, तो मैं बेसिक सी नॉलेज जानता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आप अपने वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सको, आप अपने रील्स में उसको इम्प्रूव कर सको। देखो टाइपोग्राफी के तीन प्रकार हैं। फर्स्ट है सेरिफ। अब सेरिफ जो है ना, ये बहुत ही पुराना फॉन्ट है, जिसको गूगल पे ये बताया गया है कि इसको बहुत ही पुराना फॉन्ट है, इसको हिस्टोरिकल चीज़ों में यूज़ किया जाता है, ये थोड़ा सा शार्प होता है, एंड इस तरीके का सेरिफ फॉन्ट होता है। सन सेरिफ, सन सेरिफ में क्या है ना कि इसको सेम टू सेम सेरिफ की तरह ही है, बट ये राउंड फिगर में है, एंड ये 20th century में इनोवेशन हुआ था, तो ये थोड़ा सा राउंड है, इसको आप ज़्यादातर बुक में देखते होगे, बुक वगैरह में। ये एक ऐसा फॉन्ट है, ये एक ऐसा स्टाइल है जो हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा बहुत। तो अब आता है डेकोरेटिव फॉन्ट। देखो डेकोरेटिव फॉन्ट ना, ये एक कस्टमाइजेशन फॉन्ट है जिसमें आप हर एक चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हो। ये सारे फॉन्ट को बेसिकली मैगजीन वगैरह में देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमाइज किया जाता है। तो देखो इन सब फॉन्ट के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे नहीं, बेसिकली मैं आप लोगों को 8 फॉन्ट बताऊंगा जिससे आप अपने वीडियो को बहुत ज़्यादा अच्छी बना सकते हो। एंड कुछ ऐसे फॉन्ट है ना जो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉगर अभी यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे सॉन्ग वीडियो में यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगता है। फॉन्ट है जो बहुत ज़्यादा अभी काफ़ी सारे मिनी ब्लॉगर यूज़ कर रहे हैं, वो है एक्री एक्सपेंडेड। ये फॉन्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है, एंड ये देखने में थोड़ा चाइनीज वाइब देता है, एंड बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लगता है। मैंने भी रिसेंटली एक मिनी ब्लॉग बनाया था, या फिर पीछे जो मैंने एक यूट्यूब वीडियो डाला था उसमें मैंने एक्री एक्सपेंडेड का फॉन्ट का यूज़ किया था, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इवन अभी जो कैमरा वाले भैया ने जो मिनी ब्लॉग बनाया उसमें भी एक्री एक्सपेंडेड को यूज़ किया है, एंड उसमें एक और फॉन्ट को यूज़ किया है जिसको मैं आगे बताऊँगा। सो ये फॉन्ट आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, देखो मैंने जो नाम बताया ना उसको नॉर्मली आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। गस्पाचो, ये एक ऐसा फॉन्ट है जिसको आपने अभी अभी देखा होगा कि रिसेंटली जो कैमरा वाले भैया ने म्यूजिक वीडियो यूज़ किया उसमें एक थंबनेल में बनाया था, गस्पाचो फॉन्ट ही यूज़ किया था। ये फॉन्ट भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इस फॉन्ट को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, एंड ये फॉन्ट भी बहुत ज़्यादा मिनिमल है, ऐसा ज़्यादा क्रिएटिव है या ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल फॉन्ट है जिसको आप हर एक वीडियो में यूज़ कर सकते हो, एक अपना मूड सेट कर सकते हैं। यार ये नॉइज ना, अपने गस्पाचो का भाई के बारे में जान लो, उसका नाम है एल्बरा। एल्बरा एक ऐसा फॉन्ट है जो गस्पाचो से बिल्कुल मिलता जुलता फॉन्ट है, ये भी फॉन्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप कोई भी वीडियो बनाते हो, इवन आप मोटो ब्लॉग करते हो, कुछ भी करते हो, इस फॉन्ट को आप लोग यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा एस्थेटिक वाइब देता है। देखो रिसेंटली शिवा तिवारी अपना एक मिनी ब्लॉग स्टार्ट किए हैं वो यूट्यूब शॉर्ट्स पे, तब शिवा तिवारी ने भी स्टार्ट किया, बट इनका कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, बट उसमें एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किए होंगे कि इनके फॉन्ट बिल्कुल ही डिफरेंट हो गए। उस फॉन्ट का नाम है बाक्स सापी, आई डोंट नो क्या प्रोनाउंसिएशन है बट यही है आई थिंक, तो इस फॉन्ट को भी उन्होंने यूज़ किया, एंड ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगता है इस फॉन्ट। थोड़ा सा अगर आप लोगों को मॉडर्न फॉन्ट चाहिए तो यूनिसेंस, यूनिसेंस एक ऐसा फॉन्ट है जो थोड़ा सा मॉडर्न भी दिखता है, एंड बहुत ही अच्छा फॉन्ट लगता है। इस फॉन्ट को आप लोग हर तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब देखो कोई भी फॉन्ट को ना ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को ये सारे फॉन्ट के बारे में बता दिए एंड आप सेम टू सेम यूज़ करो। देखो फॉन्ट को किस तरीके से यूज़ करना है ये आप पे डिपेंड करता है, कई बार क्या होता है कि जिस तरीके का फॉन्ट है उसी तरीके से लोग टेक्स्ट करते हैं और उसी तरीके से यूज़ करते हैं, बट वहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हो। छोटी छोटी मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप सारे फॉन्ट
इसको कैपिटल लिख सकते हो। पहला फॉन्ट आप कैपिटल लिखो, सारे को स्मॉल कर दो, या फिर सारे फॉन्ट को स्मॉल कर दो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से फॉन्ट यूज करते हो। प्रोविकली इसको बहुत ज्यादा मिनिमल माना गया क्रिएटर यूज करता है, एंड ये फॉन्ट पर्सनली मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। अब आप सोच रहे हो ये सब सारे फॉन्ट के बारे में मुझे पता कहां से चला, तो देखो ये सारे फॉन्ट अभी इरफान जोने ने एक रील डाली थी उसके थ्रू पता चला, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को इस फॉन्ट के बारे में एक्सप्लोर किया जाए। तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है एकेरी एक्सपेंडेड, बट ये जो फॉन्ट है हेलवेटिका, ये फॉन्ट मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं है, बट इस फॉन्ट को भी आप लोग यूज कर सकते हो। इसके बारे में हमारे इरफान भाई ने बोला है कि मुझे पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगता, तो इस फॉन्ट को भी आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। मैंने जितने भी फॉन्ट बताए टोटल 7 फॉन्ट अभी तक बताए, बट ये वाला जो फॉन्ट है ना भाई, ये अपने वीडियो में अगर आप लोग थोड़ी सी हिंदी वाइब देना चाहते हो, देवनागरी फॉन्ट्स, आनंदा एक ऐसा फॉन्ट है, आनंदा फॉन्ट, ये चीज आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज्यादा यूज करते हैं हमारे एक बिहारी जी, इनका जो आपने देखा होगा लोगो, वो भी ये आनंदा फॉन्ट के ही तरह, आनंदा फॉन्ट का ही यूज करके उन्होंने बनाया है। एंड ये फॉन्ट पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, एंड मेरे ग्रुप में भी सबको अच्छा लगता है, राइट? तो सारे लोग यही फॉन्ट का भी यूज कर रहे हैं, तो इस फॉन्ट को भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अब फॉन्ट के बारे में जो आप लोग कमेंट करते रहते हो ना कि भाई आपने कौन सा फॉन्ट यूज किया, कैसे यूज किया, वो कमेंट करना मत। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो ना, तो इस चैनल पे रील से रिलेटेड, सिनेमैटिक से रिलेटेड, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, फोटोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आती रहती है, तो फटाफट सब्सक्राइब करो। मिलते किसी नए वीडियो के। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। एंड ये बॉम्ब कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।